लेक्चर नंबर 18 हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। एक होता है काइनेटिक्स, एक होता है काइनेमेटिक्स, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? जिसमें एम आ जाता है काइनेमैटिक्स, उसमें हम स्टडी करते हैं प्योरली मोशन को, और जिसमें एम नहीं आता काइनेटिक्स, उसमें हम मोशन के साथ साथ मोशन के कॉज को भी स्टडी करते हैं कि मोशन किसकी वजह से हो रहा है, मोशन हो रहा है फोर्स की वजह से, तो फोर्स को भी जिसमें स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं काइनेटिक्स, यानी लॉ ऑफ मोशन किसमें आ जाएगा काइनेटिक्स, और जिसमें फोर्स नहीं सिर्फ मोशन को स्टडी करेंगे वो होगा काइनेमैटिक्स। में इस लेवल पे हम मोशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D। फिर मोशन इन 1D की फिर कैटेगराइजेशन होगा, मोशन इन 1D को हम बोल सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। दोनों में अंतर क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है वो किसी पार्टिकल का होता है, पार्टिकल चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है तो रेक्टिलिनियर मोशन, पूरी बॉडी चल रही है, बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहे हैं तो उसको बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। यहाँ पे हमको जो डिस्कस करना है वो रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन, सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट भी हमने सीखना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, और फिर हम कंसीडर करेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये कैटेगराइजेशन होता है। तो मोशन को पढ़ने से पहले मोशन में जो टर्म्स आने वाली हैं, जो टर्म्स हम यूज करने वाले हैं उनको डिफाइन करना आना चाहिए कि कौन कौन से टर्म्स हम मोशन के लिए यूज करने वाले हैं। टर्मिनोलॉजी, सब हेडिंग टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले तुम लिख सकते हो डिस्टेंस, इसको हम दिखाने वाले एस से, डैश इट इज द पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, इट इज द टोटल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको दिखाते हैं एस वेक्टर से, इसके लिए तुम लिख सकते हो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। तो जब मोशन शुरू हुआ, जब मोशन एंड हुआ, ऑब्जेक्ट कहां से शुरू होकर कहां तक पहुंचा उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। दोनों के बीच डिस्टिंग्विश करने के लिए हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, जैसे पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करता है, ऐसे घूमता है सेमी सर्कुलर पाथ में, फिर ऐसे घूमता है सेमी सर्कुलर पाथ में, और वो पॉइंट सी तक पहुँचता है। इस पाथ की जो रेडियस है अगर वो स्मॉल आर है और तुमसे पूछते हैं डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की पार्टिकल ने, तो हमारा जवाब क्या होता है, पाई आर यहाँ पर, पाई आर यहाँ पर, कुल मिलाकर 2πr is the distance। Displacement कितना हुआ particle का, तो हमारा जवाब होता है 4r, यहाँ से लेकर यहाँ तक r, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक r, फिर r और r कुल मिलाकर 4r, shortest distance between the end points। तो ऐसे हम distance और displacement के बीच distinguish कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में तुम्हें एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें पहिया आधा चक्कर लगा था, तुमने देखा था
डिस्टेंस उसमें आई थी पाई आर, जबकि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने पॉइंट पी थी इनिशियल और फाइनल पोजीशन को कंसीडर किया। अगली क्वांटिटी जो यहां पे काम आती है वो आती है स्पीड, जिसको हम सिंपल स्मॉल वी से दिखाएंगे, छोटा वी। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन तुम देखोगे, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के चेंज होने की रेट स्पीड है। फर्दर कैटेगराइजेशन किया जा सकता है एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज अगर किसी क्वांटिटी का निकाल दें तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, और अब वो जो चेंज इन टाइम नीचे आ रहा है डेल्टा टी, ये बन जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी अगर छोटा होते 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 टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हो तो ये बन जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में अंतर क्या होता है उसको ऐसे समझो, मतलब ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी के रेफरेंस में समझा दूंगा, ठीक है? जैसे स्पीड में होता है वैसे वेलोसिटी में भी होता है, तो वेलोसिटी के रेफरेंस में मैं तुम्हें समझा दूंगा। अगली क्वांटिटी वेलोसिटी, सेम सिंबल है वी और ऊपर आ जाएगा वेक्टर क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, स्टार्टिंग पॉइंट से दूर होगी। किस तरफ होगी, टुवर्ड्स दी एंड पॉइंट होगी। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ए टू सी, स्टार्टिंग पॉइंट से दूर। तो इसमें ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वाला कंसेप्ट कहाँ काम आता है तुम्हारे, कि सिंपल पेंडुलम है, पेंडुलम रिजिड सपोर्ट से लटका हुआ है, ये ऑसिलेट कर रहा है, ये मेन पोजीशन है इसकी, इधर एक्सट्रीम तक जाता है लौटता है, इधर एक्सट्रीम तक जाता है फिर लौटता है। तो जब इधर जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट जो है बढ़ रहा है, यहां तक बढ़कर मैक्सिमम हुआ, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है, इधर। तो इस पे लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स जो वापस लगना चाहता है वो किधर है, अपोजिट। और जब ये यहां से इधर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइड में, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है, अवे फ्रॉम मीन पोजिशन, दोनों बार अवे फ्रॉम मीन पोजिशन, और रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजिशन, यानी डिस्प्लेसमेंट एंड रीस्टोरिंग फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मैटर करती है। मैं अगर उधर जा रहा हूं, ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन, मैं उधर जाता हूं, जा रहा हूं तब तो ठीक है डिस्प्लेसमेंट उधर है। अगर मैं वापस आ रहा हूं, समझ लेना वापस आ रहा हूं और मैं यहां पर हूं, ये मेन पोजीशन है, मैं यहां पर हूं, तो भी डिस्प्लेसमेंट इधर ही, मेरे मोशन की डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उधर। ये बात समझ ली कि चाहे पार्टिकल जाते वक्त तुम कंसिडर करो या आते वक्त कंसिडर करो, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा होगी अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। क्लियर? ऐसा नहीं कि इधर आ रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नहीं, फोर्स लगेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट इज अवे फ्रॉम मीन पोजीशन ऑलवेज। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है, ठीक है? तो अगर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है तो पार्टिकल दूर जाएगा मीन पोजीशन से हमेशा, और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो पार्टिकल स्टार्टिंग पोजीशन की तरफ आएगा। वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख दोगे, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हमारे काम आते हैं। मैं सिर्फ वही वही लिखा रहा हूँ जो काम आते हैं। लिखोगे टाइप्स, टाइप्स है फर्स्ट वी वेक्टर सबस्क्रिप्ट एवरेज, ये हो गया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इसका मतलब S2 माइनस S1 वेक्टर में T2 माइनस T1,
की एवरेज कॉस्ट। अगर मैं इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करता हूं, V सब्सक्रिप्ट INST किसी इंस्टेंट पे, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिमिट कंडीशन लगा दी हमने। ये जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है चेंज इन टाइम डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, अगर ऐसा होगा तो ये वैल्यू कहलाएगी इंस्टेंटेनियस। तो इसको मैं किससे दिखाऊंगा, इसको दिखाऊंगा नोटेशन चेंज हो जाएगा, डिफरेंशियल फॉर्मेट में हम चले जाएंगे ds / dt, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अंतर क्या आता है, अंतर सोचो एवरेज में इंस्टेंटेनियस, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज जो भी टोटल मोशन हो रहा है उसके लिए हम कंसीडर करते हैं एवरेज, ऐसे मान सकते हैं। और इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर हो सकती हैं अगर पूरे टाइम मोशन सेम स्पीड पे हो, सेम स्पीड पे सेम डायरेक्शन में, यानी सेम वेलोसिटी से हो रहा है, सेम स्पीड सेम डायरेक्शन दोनों को मिलाऊंगा तो क्या बनेगी, सेम वेलोसिटी। अगर पूरे टाइम मोशन सेम वेलोसिटी से हो रहा है, ऑब्जेक्ट पूरे टाइम 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होगी। पर ऐसा नहीं है, अगर कभी उसकी वेलोसिटी बढ़ती है घटती है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग होगी, एवरेज वेलोसिटी अलग होगी। अब मान लो किसी क्वेश्चन में तुमसे पूछते हैं व्हाट स्पीड या व्हाट वेलोसिटी विल यू ऑब्जर्व, लैंग्वेज को समझना, एक तो लैंग्वेज है व्हाट स्पीड और व्हाट वेलोसिटी विल ऑब्जर्वर ऑब्जर्व विल नोटिस बाय द ऑब्जर्वर, और एक पूछते हैं व्हाट विल बी द वेलोसिटी, पर्टिकुलर टाइम देते हैं एट टी इक्वल टू 5 सेकंड, दोनों के जवाब अलग हो जाएंगे। ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करता है ये पूछा है तो जवाब अलग होगा, टी इक्वल टू 5 सेकंड पर, t equal to 5 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है ये पूछा है तो जवाब अलग होगा। क्यों आया ये अंतर, हमारी जो आईज हैं आंखें उनकी लिमिटेशन है, एंड दैट लिमिटेशन इज नोन एज परसिस्टेंस ऑफ विजन। हमारी आंखों के सामने से लगातार 16 से ज्यादा फ्रेम्स गुजर जाए, 16 से ज्यादा फोटो निकल जाए एक सेकंड में, तो हमें लगता है कंटिन्यूस है। मोशन पिक्चर बनाने का कंसेप्ट यही है, फिल्में कैसे बनती है, तुम्हारी आंखों के सामने एक सेकंड में 25 से ज्यादा फ्रेम निकलते हैं, 25 फ्रेम निकलते हैं, 16 से ज्यादा निकलना रिक्वायरमेंट थी पर ज्यादातर जो फिल्में उसमें 25 फ्रेम पर सेकंड चलते हैं, और आजकल जितनी भी फिल्में बन रही चाहे बॉलीवुड चाहे हॉलीवुड सब में 30 फ्रेम्स पर सेकंड चलते हैं, तो बहुत यूनिफॉर्मिटी, हमें लगता है सब कुछ कंटिन्यूस चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, एवरेज ये इंस्टेंटेनियस, हमारी आईज की लिमिटेशन है 16 फ्रेम पर सेकंड से ज्यादा हुआ तो हमें लगेगा कंटिन्यूस है, हम इंस्टेंटेनियस ऑब्जर्व कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कई बार तुम टीवी में देखते हो डिस्कवरी HD में कुछ इस तरह के फोटो दिखाते हैं कि बैलून पर गोली चलाई बैलून फूटा या बैलून को फोड़ा ब्रेक करके पानी उसमें से निकला, ये कोई कांच के ऑब्जेक्ट को गिराया वो शैटर हुआ, तो जब हाई स्पीड कैमरा से उसकी फोटो वो लेते हैं और उसको फोटो को चलाते हैं फ्रेम दर फ्रेम फ्रेम बाय फ्रेम चलाते हैं तो हम कुछ और ऑब्जर्व कर पाते हैं जो कि नॉर्मली हम ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम क्या देख रहे थे एवरेज, और उस कैमरे ने हमको क्या दिखाया इंस्टेंटेनियस दिखाया, मतलब और डेल्टा टी को और छोटा कर। तो जब क्वेश्चन में पूछा जाए ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा, एवरेज ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारी आईज की लिमिटेशन है, वेलोसिटी क्या होगी इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट कर सकते हैं, देयर इज डिफरेंस। तो इस तरह से हम कहते हैं, तुम्हें अगर मैं एक फैक्ट बताऊं कि मधुमक्खी के लिए एक सेकंड का मतलब कुछ और है, ह्यूमन बींग के लिए एक सेकंड का मतलब कुछ और है, और ये जो अंतर आया वो किसकी वजह से आया, मधुमक्खी की जो आंख है उसकी वजह से। मधुमक्खी की आंख में क्या स्पेशल है, एक सेकंड में वो कितने फ्रेम्स देख सकती है, 1000 फ्रेम्स, 1000,
1500 तो 1000 फ्रेम भी अगर देख पा रही, मान लो मैं सिर्फ डेटा पकड़ते 1000 फ्रेम पर सेकंड वो देख पा रही है, तो एक सेकंड में जब 1000 फोटोज के आपके सामने से निकले तो कंटिन्यूअस लगेगा, अदरवाइज वो एक एक फोटो को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर पाएगी, तभी वो दूसरी मधुमक्खी के पंखों को फड़फड़ाता हुआ देख पाती है और उस ट्रेल्स को फॉलो करती है जो उसको ट्रेल नजर आते हैं, उनके पाथ हिलते हुए कि किस तरह से हिलते, तो उसके लिए टाइम का मतलब कुछ और है, उसके लिए एक सेकंड बहुत बड़ा है मधुमक्खी के लिए, हमारे लिए एक सेकंड बहुत छोटा है क्योंकि हम उसमें उतना नहीं देख पाते, तो ये सेंस है इंस्टेंटेनियस का सेंस, मतलब जब भी तुम कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ोगे तो ये कोई पूरी पूरी कोई सब्जेक्ट नहीं है खाली, क्या एक फॉर्मूला लर्न कर लिया वेलोसिटी होती है और वेलोसिटी पता कर लिया, फॉर्मूला नहीं है ये, पूरा पूरा हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं सारी, तो हर क्वांटिटी को फील महसूस करना सीखो, जब तुम उस क्वांटिटी को महसूस कर लोगे तो तुम उसका रियल मीनिंग जान जाओगे कि वास्तव में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना, तो ये कंसेप्ट है वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वर्ड जहाँ आ जाएगा और एवरेज जो होगा उसको हम ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते, इससे आगे क्या फिर अगली क्वांटिटी नंबर 5 पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए स्टैंडर्ड सिंबल हम यूज करने वाले हैं a वेक्टर, स्मॉल a वेक्टर, सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के चेंज होने की रेट, सिंपल सा एक्सप्रेशन लिखोगे इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जनरली हम इंस्टेंटेनियस लेते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर मैं लेता हूं एक्सेलरेशन की, जिसके लिए कुछ स्पेशली लिखता नहीं है, हमेशा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ही लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी दैट इज डीवी अपॉन डीवी, दिस इज एक्सेलरेशन, इन सब की यूनिट्स में आनी चाहिए, जैसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को मीटर में नापेंगे ऐसा यूनिट डील करेंगे हम, तो वेलोसिटी हो जाएगी मीटर पर सेकंड, स्पीड भी हो जाएगी मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब तुम कंपटीशन प्रिपेयर करते हो तो उसका एक ड्रॉबैक है, एक बुरी आदत तुम्हारी पड़ जाती है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ ए बी सी डी में हैंडल करना होता है, सब्जेक्टिव पार्ट वहां खत्म हो जाता है कंपटीशन में, क्योंकि सब्जेक्टिव है नहीं, तो तुम्हारी ए बी सी डी की जो आदत पड़ जाती है उसकी वजह से तुम यूनिट्स को डील करना बंद कर देते हो, और यूनिट्स को डील करना बंद कर दो तो यूनिट्स में कमजोर हो जाते, जिस भी काम की प्रैक्टिस करना हम बंद कर देंगे हम उसी काम में कमजोर हो जाएंगे, तो यूनिट्स साथ में लिखना बोलना जरूरी है, जब भी तुम कोई आंसर बोलते हो लिखते हो तो साथ में उसकी यूनिट बोलना आदत में रखो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें फॉर्मूला नहीं आता तुम्हें कोई बात नहीं, कौन सी यूनिट निकालनी है और कौन सी यूनिट्स दी हुई हैं, फॉर्मूला तुम खुद बना लोगे, क्वेश्चन में कौन सी यूनिट निकालनी है, कौन सी यूनिट में आंसर निकालना है और कौन सी यूनिट्स दी हुई है, यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सब्जेक्ट के पैटर्न में तो यूनिट चाहिए, अगर तुमने यूनिट नहीं लिखी तो आधा नंबर वहीं कट हो जाता है कोड में, यूनिट के साथ ही हम क्वांटिटीज को तैयार करेंगे, तो मोशन को डिफाइन करना है तो ये क्वांटिटीज रिक्वायर्ड थी जो हमने पढ़ी, इतनी क्वांटिटीज अगर हम जानते हैं तो हम मोशन को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, सम हेडिंग टाइप्स ऑफ, अगर मोशन क्या है, मोशन की क्या डेफिनेशन है, जरूरत है क्या लिखवाने की, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले Whenever an object changes its position with respect to some stationary surroundings, then it is said to be in motion. तो कहलाएगा कि वो motion में, उसकी position change हो गई। तो जब भी हम ये बोलते हैं stationary surroundings, तो यहाँ एक और terminology हमें सीखनी पड़ेगी, एक और term आ जाती है frame of reference, reference frame. Reference frame का मतलब हम किसके reference में बात कर रहे हैं? हम अगर चल रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में? अर्थ के रिस्पेक्ट में, पर हम जानते हैं अर्थ खुद भी चल रही है, अर्थ चल रही है विद रिस्पेक्ट टू सन, तो अर्थ को अगर स्टेशनरी माने तो हम अर्थ के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, तो रिलेटिविटी का कंसेप्ट आता है जो रिलेटिव वेलोसिटी में हम ठीक से समझेंगे,
तो मोशन टोटली रिलेटिव है, और इसके लिए हम इसको डिफाइन करने के लिए क्या डिफाइन करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी रेफरेंस लेते हैं फ्रेम का। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस हो सकता है, इट मे बी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस। इनको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अलावा एक और तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, होते हैं आर थीटा एंड जेड, उनको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पढ़ेंगे आगे। तो एक कार्टेशियन होता है, एक पोलर होता है, ये सब क्या है, रेफरेंस फ्रेम है अलग अलग तरीके। फिर जब न्यूटन लॉस पढ़ेंगे तो वहां पर हम रेफरेंस फ्रेम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, क्योंकि इनर्शिया पढ़ेंगे तो इनर्शिया से रिलेट कर देंगे रेफरेंस फ्रेम। तो अभी तुम ये मान लो बस कि कोई भी मोशन हमें डिफाइन करना है तो जो सराउंडिंग्स है दो सराउंडिंग्स आर रेफरेंस, दैट्स ऑल। तो टाइप्स ऑफ मोशन में तुम फर्स्ट लिखोगे यूनिफॉर्म, पहली तरह की कैटेगरी है यूनिफॉर्म, और ये सिमेट्री चलेगी। जब तुम सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो वो भी दो तरह का होगा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। और यहाँ पे तुम पढ़ रहे हो कौन सा मोशन, ट्रांसलेशनल या रेक्टिलिनियर मोशन, एक पार्टिकल के लिए तो रेक्टिलिनियर, पूरी बॉडी के लिए तो ट्रांसलेशनल। तो कौन कौन से तरह का होगा मोशन, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नाम से पता चल रहा है तो इसमें डैश लगा के लिख दोगे, इन इट द मूविंग पार्टिकल, पार्टिकल बोल रहा हूं तो अंडरस्टूड है रेक्टिलिनियर, और जैसे बॉडी बोलूंगा तो ट्रांसलेशन। द मूविंग पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, मूविंग पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो अगर मोशन ऐसे हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर वो इक्वल डिस्टेंसेस अनइक्वल टाइम इंटरवल में, या इक्वल अनइक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो मोशन कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। पर यहां पर भी हम फाइन डिटेल में घुसते हैं वापस से, कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है, तो इसमें भी अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस की बात करें तो ये पॉसिबिलिटी है कि कोई मोशन जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस तो नॉन यूनिफॉर्म हो और एवरेज में क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, इट इज पॉसिबल। एक एग्जांपल पे गौर करो, मैंने क्या किया, फिजिक्स को लिंक कर दिया, पूरी 11th की 12th की फिजिक्स जो तुम पढ़ने वाले हो आगे, पूरा सारा सब्जेक्ट लिंक कर दिया, तो एग्जांपल से उनको समझने में आसानी रहेगी। तो ऐसे एक एग्जांपल हो कि तुम्हें एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे चढ़ना है जहां सीढ़ियां हैं बनी हुई, और यूनिफॉर्म सीढ़ियां हैं सबकी, जो चौड़ाई है और जो ऊंचाई है, स्टेप विड्थ और स्टेप हाइट, वो सब यूनिफॉर्म। मान लो 500 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर कहीं जाना है, ऊपर मॉन्यूमेंट या मंदिर कोई स्मारक है वो देखने तुम्हें जाना, तो तुमने क्या किया, 5 झंडियां बनाई, डंडे जिसके ऊपर झंडे लगे हुए, और हर 100 सीढ़ी के बाद निशाने के लिए वो एक झंडा गाड़ दिया, और अपने साथ ऊपर एक बॉल ले गए जिसके खो जाने का तुम्हें गम नहीं है, मतलब खो भी जाए तो कोई बात नहीं क्योंकि ऊपर से जाकर उसको तुम गिराने वाले। तो बॉल ले जाकर सबसे ऊपर जाकर तुमने बॉल को छोड़ा और स्टॉप वॉच चालू कर, बॉल नीचे की तरफ जाएगी, उस पर काम कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो एक्सेलरेट होगी, तो उसका मोशन कैसा होगा, वो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगी इक्वल टाइम इंटरवल्स में, जैसे जैसे नीचे जाएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो कैसा है मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। दो सीढ़ी के बीच अगर मैं उसका मोशन कंसीडर कर रहा हूं तो नॉन यूनिफॉर्म, पर मैंने दो सीढ़ी के बीच नहीं, यानी दो टक्कर के बीच नहीं कंसीडर किया, मैंने क्या कंसीडर किया, बॉल गई टकराई उछली फिर नीचे लुढ़की फिर टकराई उछली, ऐसे सीढ़ी लुढ़कते लुढ़कते जब 100 सीढ़ी पार कर ली बॉल ने, तो मैंने टाइम नोट किया, सपोज टाइम इज T1, फिर अगली 100 सीढ़ी पार की मैंने टाइम नोट किया, सपोज इट इज T2। इस तरह से मैंने 5 टाइम इंटरवल्स नोट किए, T1, T2, T3, T4, T5। अब मैं क्या पाता हूं, मैं ये पाता हूं ऑल आर इक्वल, पहली 100 सीढ़ी पार करने में बॉल को समय लगा अगर T1, तो अगली 100 सीढ़ी पार करने में भी कितना लगेगा, T1 के बराबर है, T2 इज इक्वल टू T1। तो अगर ऐसा है इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करने में इक्वल टाइम लग रहा है, तो बॉल का ओवरऑल मोशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म। तो बॉल का ओवरऑल मोशन यूनिफॉर्म है बट इंस्टेंटेनियस मोशन नॉन यूनिफॉर्म। तो ये फाइन डिटेल्स हैं, ऐसे भी पॉसिबिलिटी।
अगर एक ब्रॉड सेंस में देखें तो मोशन यूनिफॉर्म, और छोटे से पार्ट के लिए देखें तो नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि बॉल बार बार टकराएगी टकराएगी तो ऊपर उछलेगी, तो उसका मोशन ऑब्स्ट्रक्ट होगा। उसका मोशन ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से जो उसका एवरेज मोशन होगा वो ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट स्पीड से चल पाए बजाय एक्सेलरेशन से चलने। एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कर पाएगा क्योंकि हर बार टकरा रही, और जितनी वेलोसिटी से टकरा रही उतनी वेलोसिटी से ऊपर उछल रही। इस कारण जैसे जब हम दूर से देखते हैं तो डिटेल कुछ और दिखाई देती है। तुम एरोप्लेन में उड़ रहे हो, ऊपर से देख रहे हो पेड़ लगे हुए, तो तुम्हें लगेगा ग्रीन पैच है, जहां पेड़ कम है वहां लगेगा तुम्हें ब्राउन पैच है। पर जब जैसे जैसे नीचे आएंगे तब पता चलेगा उस ग्रीन पैच पैच में पूरी ग्रीनरी नहीं है, ब्राउन पैच में पूरा ब्राउन नहीं है, कुछ पेड़ भी। तो इस तरह की बात होती है, दूर से देखने पर कुछ और पास से देखने पर कुछ। तो अब जो तुमने लिखा है यूनिफॉर्म मोशन, उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे इस कैटेगरी के, यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी के, हमको लगानी है सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन। एक इक्वेशन से हमारा काम होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो तुम लिखोगे लैंग्वेज में पैराग्राफ चेंज करके, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ, मैं सीधे स्केलर फॉर्म में बात कर रहा हूं ठीक है, वेक्टर बना देंगे जब भी जरूरत पड़ेगी डायरेक्शन एसोसिएट करके। स्केलर में पढ़ना थोड़ा आसान रहेगा, जैसे ही वेक्टर बनाएंगे डायरेक्शन और एक्चुअल मतलब एक्स्ट्रा एसोसिएट करनी पड़ेगी, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो सिंपल पढ़ के फिर उसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तुमने लिखा है क्या लिखा, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद स्पीड v एंड इट कवर्स ए डिस्टेंस s इन टाइम t, इट कवर्स ए डिस्टेंस s इन टाइम t, देन बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला जो तुमने छोटी क्लास में सीखा था, s इक्वल टू v। अब तुम्हें इसका इस्तेमाल आना चाहिए। उसका इस्तेमाल कैसे करना है, जो इसमें टिपिकल क्वेश्चन बनता है वन ऑफ इट्स टाइप, वो क्वेश्चन मैं तुम्हें लिखा रहा हूं। क्वेश्चन लिखो, राम मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी सिचुएटेड एट डिस्टेंस एक्स, सिचुएटेड एट डिस्टेंस एक्स comma with speed 48 kilometer per hour। थोड़ा modification कर रहा हूँ मैं, 48 नहीं ले रहा, मैं ले रहा हूँ उसको 40 kilometer per hour, and then returns back, and then returns back to point A with speed 60 किलोमीटर पर आवर। कम देन फाइंड, देन फाइंड हिज फर्स्ट पार्ट एवरेज स्पीड सेकेंड पार्ट एवरेज वेलोसिटी for the whole motion, average speed, average velocity for the whole, the actually whole motion। इस पूरे motion के लिए हमें उसकी average speed भी निकालनी है, average velocity भी निकालनी है। तो तुम्हें से जो भी कोई जवाब बताना चाहता है बता सकते हो, साथ में ये जोड़ दो इन मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में निकाल। यानी एक ही क्वेश्चन में कई कंसेप्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो बताओ कितनी तो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड 50। अच्छा, और एवरेज वेलोसिटी जीरो।
250 by 18 मीटर पर सेकंड कितना 18 मीटर 250 by 18 मीटर पर सेकंड अच्छा और कोई देखो लॉजिक इज क्वाइट सिंपल सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी हमें दी हुई है डिस्टेंस है एक्स दोनों के बीच हमें पता है एवरेज स्पीड क्या होती है एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ये फॉर्मूला है वो तुम्हें तैयार करना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये मैंने अभी तक नहीं लिखवाया था तुमको मैंने लिखवाया था चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम तो एग्जैक्ट वे में बोले तो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो टोटल डिस्टेंस डेफिनेशन से जाओगे तो टोटल पाथ कवर्ड तो टोटल कितना पाथ कवर हुआ ए से बी तक गया बी से वापस आया आराम ए पर तो टोटल पाथ कवर्ड इज 2x कितना टाइम लगा जाते वक्त उसने डिस्टेंस चल की x और उसकी स्पीड थी 40 अगर मैं किलोमीटर पर आवर में चलाऊं x को मैं मान लूं किलोमीटर में x दिया हुआ कुछ यूनिट तो दिए नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में x by 40 ये टाइम लगेगा उसको इस फॉर्मूले से टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड और वापस आने में जो टाइम लगेगा उसको लगेगा फिर से x की डिस्टेंस उसको ट्रैवल करनी पर स्पीड ज्यादा x by 60 तो अब अगर मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे ये 2x नीचे LCM LCM आएगा 240 या 120 बोलो 120 तो 4 3 जा यानी 3x प्लस 6 2 जा यानी 48 किलोमीटर पर 2x हां तो तुम्हें ये मिलेगा 48 किलोमीटर पर आवर क्योंकि x गेट कैंसिल्ड अब तुम इसको अगर मीटर पर सेकंड में बदलते हो तो दो तरीके हैं या तो तुम फैक्टर याद रख लो 5/18 5 by 18 से मल्टीप्लाई करने पर किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए और नहीं तो बेसिक से चले जाओ इक्वल टू 48 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय आवर को कन्वर्ट किया तो 60 इनटू 60 तो इसी से आ जाता है एक्चुअल में 5/18 तो 6 3 जा 48 30 अपॉन 6 क्या है 40 upon 3 meter per second इसका मतलब इसको तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3 1 3 एक 0 10.33 मीटर पर सेकंड 13.33 ओके 13.33 मीटर पर ये तो क्या हो गई एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है वापस वही आ गया तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी जीरो डायरेक्शन का कोई चक्कर पड़ा नहीं तो वेलोसिटी जीरो हो गई अगर नहीं होती तो हम वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन भी निकाल क्लियर यूनिफॉर्म मोशन के सारे सवाल इससे हो जाए इसे एक इक्वेशन पर अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर हमारे पास तीन तो है न्यूटन की थ्योरी ऑफ इक्वेशंस जिनको हमने डिराइव किया था कैलकुलस मेथड से उनको ग्राफिकली भी ऑब्टेन करना आना चाहिए और एनालिटिकली भी ऑब्टेन करना आना चाहिए एक और इक्वेशन हम इसकी मदद से निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनएस सेकंड तो ये चार इक्वेशंस का इस्तेमाल हम करते हैं तो इसमें कई तरह के घुमा फिरा कर सवाल बनते हैं तो उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे हेडिंग लगा दो नॉन यूनिफॉर्म मोशन सेकंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसकी फिर से दो कैटेगरी हो जाएंगी
नॉन यूनिफॉर्म ऐसे भी हो सकता है कि विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हो रहा हो, और ऐसे भी हो सकता है विद वेरिएबल एक्सेलेरेशन हो रहा हो। जब तक एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तब तक की वो इक्वेशन है जिनका मैंने जिक्र किया, और अगर एक्सेलेरेशन वेरिएबल है तो उनमें से एक भी इक्वेशन नहीं लगेगी, फिर तो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलस। कैलकुलस ही एकमात्र सहारा है। तो जो लोग कैलकुलस से डरते हैं भागते हैं वो समझ लो कि कैलकुलस के बिना गुजारा नहीं है। तो आज का लेक्चर ना काफी है, नेक्स्ट टर्न आगे पढ़ेंगे संडे को।